देखते हैं। अरे जाग मार रहे हो, मैं चेक करूंगा। ए वाली चलिए चेक करते हैं, ये जवान और के लड़के ने गलती कर दी, लेकिन इसका फिर मैं तुम्हारा चेक करो, तुझे काम काम किया थे चेक कर लिया, उसी जवान ने क्यों करूंगा चेक करो जल्दी। देखा मोनिका जी, चेक करो काम किया था। अरे तो 40 मिनट दिए थे, कंप्लीट हो गए 40 मिनट, कहाँ तो लिखे देख रहा हूँ, तो लिखे नहीं, तो कैसे कर लिया तुमने? क्या निकाल रहे हैं? और तो आपने आंसू तो एक भी नहीं लगाया है, तो सीट को क्यों खराब कर रहे हो तुम? तो फिर सीट तो खराब हो जाएगी, आगे भविष्य में काम ही नहीं आएगी तुम्हारे कभी भी, तो फिर कहाँ आंसू लगाए तुमने? अरे कितना बुद्धिजीवी आदमी है रही, तो सीट को क्यों खराब कर रहे हो तुम? कल को जब लास्ट में वापस प्रैक्टिस करोगे तो सीट में आंसू लगे रहेंगे, दोबारा कौन देगा फिर? सीट में टिक किस लिए करना है? नोटबुक में जब लिख रहे हो आंसू तो उसमें करो ना, सीट में टिक कर लोगे सीटों में मत करो टिक, ताकि वापस कभी किसी दिन कैच मारो तो वापस काम में तो आ जाए। याद रहना चाहिए तुमको, ऐसे याद नहीं रहेगा, 40 मिनट हो गए तुम जब चेक हुआ नहीं, तुमने किया भी नहीं होगा चेक करके, वे तुम्हारे बेटे पूरे आंसर, और जो नहीं आए ना उनको करा के 160 जल्दी हो गए तुम्हारे, कितना नंबर आया है चेक कर जल्दी। तुम ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं करते तुम ऐसा काम? नौकरी तुमको लग रही है किसी और को, बता दिया कर लो काम आप खत्म, किसी दूसरे के मुंह मार करेंगे, कल को रोगे जाके चूचा चूचा चूचा, मेरे को पहले पता था नहीं करोगे तुम, तुमको नौकरी लगना है चूतिया बनाना घर वालों को, नौकरी नहीं लगना तुमको, सिर्फ ऐसे वो भाना है कि नौकरी लग जाए नौकरी लग जाएगी, वो लोरा पकड़ रहा है छोटे बच्चे को जैसे आरा पकड़ा देना वैसे। एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार बार तुमको प्रैक्टिस दे रहे हैं, एक भी ईमानदारी से नहीं करोगे कहां से सीखोगे? हर रोज हम मेरे मेरे दिमाग लगा देते हैं हम क्या करें हम क्या करें, कुछ भी कर लो जब तक तुम खुद नहीं करोगे ईमानदारी से काम, डंडे की मार से नहीं होता काम, नौकरी तुमको लगना है डंडे की मार से, तो मैं तुमको अभी एक घंटा और बिठा दूंगा, लेकिन ईमानदारी से काम करो ना, ताकि हो किस किसने कर लिए हो गया चेक करो, लेकिन बताओ मेरे को नंबर जल्दी भरो अपना आंसर, चेक करा के फिर जाएगा यहां से, और ईमानदारी से बेईमानी की ना साला उससे अच्छा मर जाना जाके डूब के बेईमानी की, तो लातों की भूति हो तुम, कोई भी काम ईमानदारी से नहीं तुम्हारा, किसको चूतिया बना रहे हो भाई? इसमें नहीं लगाना ठीक, उसमें भरो अलग से चेक करूंगा मैं, अलग से ये पेन काम से लिख के पूरा क्या आंसर लिखूं हैं, तो क्वेश्चन उसका डाउट सुबह सॉल्व करेंगे, उसको अलग कर लो, अगर किसी प्रॉब्लम में अंदर आ रही है। 40 मिनट हो गए तुम्हारे, 44 मिनट हो गए, हो गया तो बताओ मैं किस तरीके से मैं चेक करो, लेकिन नोट बुलाओ आंसर भर के कंप्लीट होती है 45 मिनट में, हो गया से मतलब नहीं है, हो गया तो तुमको कैसे पता चलेगा तुम्हारे कितने नंबर आ गए, कितनी बार हो गया अपनी ईमानदारी से खुद को चेक करो ना हर रोज। ये बोर्ड पेपर तो भी मिलता है मेरे साथ में, उससे भी तुम चेक करते हो, तुम पूछ लीजिएगा तुम खुद चेक करो अपना कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए बेटा हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं जो क्या मुझे तो देखूंगा, मेरे को सुबह भी उठ के आना है, मैं इसलिए बेटा हूं, चलो भाई चेक करेंगे देखें। मैं अपनी ईमानदारी से काम करो ना, तुमको नौकरी लगना है कि नहीं लगना है, मेरे से क्या मार्के चुरा रहे हो, मेरे से चोरी करोगे काम की वहां पे फिर चुरा लेना एग्जाम सेंटर में।
चेक करो टू को देखो, मैंने जैसे बताया तो उस हिसाब से आपके नंबर आने चाहिए नंबर। अगर 90 नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी तैयारी है नहीं अभी भी। अगर अभी भी तुम्हारे नंबर नंबर नहीं बन पा रहे इसका मतलब तैयारी नहीं है तुम्हारी, बनेंगे कहां तुमको चिंता ही नहीं चलता। सीटें बंद करवा देता हूं, कैसे पढ़ लो अपनी किताबों से। तुमको इसलिए दी जाती है कि भाई तुम लास्ट में पूरे दिन का चेक कर सको कि आज के दिन में मेरे में कुछ बदलाव आया नहीं आया, कुछ मैंने अचीव किया नहीं किया, कल से बेटर आज है नहीं मेरा। इसलिए रात को देते तुमको ऐसी कि तुम टेस्ट देके देखो इसका हुआ है, कितने क्वेश्चन हुए, कितने आंसर आए टोटल, कितने आंसर हो रहे हैं, 46 आंसर किए हैं, 46 किए हैं, सही है या गलत है, उनमें से गलत कितने हैं, 40 सही है। हाँ ठीक है, जहां गलती है उनको देखो, पीछे आंसर के लिए भी दे रखिए, जल्दी कंप्लीट करो, हम कर लिए आंसर की बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, चेक करो अपने अपने कितने हैं, हाँ 49 सही हुए, 6 छोड़ दिए, 4 प्लस 60 प्लस है, मैं तो छोड़ के जो 3 पार्ट का है पक्का से ले ये फिर मनी है लेके रहे हैं पहले आप बता देना ना बोर्ड पे गाड़ी वे ठीक है याद है ये मतलब प्रोग्राम तो सही है 45 45 सही है गलत बाकी छोड़ दिए 4 गलत यार गलत तो देख लो 4 का एक नंबर गया 48 कितने 48 सही है ठीक है गलत इस प्रकार का सभी जैसे साइलेंसर है ऐसा साइलेंसर रहना चाहिए, कोई रहे चाहे नहीं रहे, ये नहीं कि मैं चाहे यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में बैठा हूँ चाहे घर पे हूँ, नौकरी तुमको लगना है मेरे और भी काम है, लेकिन तुमको अपना काम मान रहा है करो, मैं कहीं भी हूँ तुम्हारे पास सीट आती है नहीं आती है तो फिर तुम अपना काम मान रहा करो ना, मेरे सामने क्यों करते हो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ चलो ठीक है भाई बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो मैं बैठा हूँ ऑफिस में। इसका हो गया मैथ शुरू करो यार लड़कियां, हो गया कराओ चेक, हो गया कहाँ पर आंसर की काम नहीं है, आंसर की बनाओ उसमें नहीं अलग से बनाओ, ये बना दो बना के कहाँ ऐसे नहीं ए बी सी डी ऐसे नहीं काम नहीं है, हाँ ऐसे ही इसने बना रखी ऐसे वो इसका लिख रहे हो जिससे दाम पे लिख रहे थे, हाँ ये भी अच्छी बात है, हाँ इसमें बाद में आंसर की बनाओ बस कितने से भी है 33 बहुत कम सही है प्रभु 44 सही है, आगे करो मैं जान चुकी एक साइड पे व्हाइट पेज ले लो साइड में लिखते जाओ और उसमें व्हाइट पेज में करते जाओ अपने आंसर लिखते जाओ, वहां से चेक कर लो पीछे आंसर की इसीलिए तो दिए तुमको। किसी का नहीं वो सारी रवाना और के ऐसे करो इसको फिलहाल चेक करो इसको अरे अपने टाइम के अंदर करो ना तुम्हारे से अच्छे तो आगे वाले लड़के हैं जिनकी बोलते आगे वालों की रुचि नहीं होती पढ़ने में, जबकि मेरे को लगता है कि पता नहीं कहां से तुम जानवरों की तरह यार, अभी 2-3 बजे तक रात में मैं कैमरा चेक करता हूँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, 41 ही बहुत कम सही है प्रभु, ठीक करो थोड़ा ध्यान से बिहार से तुम देख लो ये लड़के कभी भी देख लो मैं रात को कैमरा पढ़ते नजर आते हैं, क्यों इन्होंने मेहनत की ना रनिंग मारी है पहले, इनको पता है कि पेपर ये बच्चा है, तुमको भी तो वही सोचना चाहिए कि हमारा एक महीना बच्चा है
तुम्हारा इनका पेपर फिक्स डेट को है, तुम्हारा इससे पहले है, और इनसे पूछ लेना कि आपको कितने बजे सोते हैं। तुम्हारे तो कोई मतलब दिखता नहीं है सारा, कोई अपनी मर्जी जैसे वेट करते रहते हैं, कब 10:30 हुए, कब 10:30 हुए, कब 10:30 हुए, 10:30 हो जाएगा तो काम छूट जाएंगे, ये मतलब को ये सोचो कि जब तक मैं कर नहीं लेता, सर ने रीजनिंग का बोला मैं मैथ में भी करूंगा, मैं बोलता हूं से एकदम आगे करो तब नंबर लगेगा नौकरी में। नेवी एयरपोर्ट वाले ये आर्मी वाले लड़के देख रहे कैसे मतलब पढ़ते रहते तुम्हारे सामने ये बैठे, अरे एक एक मिनट खराब नहीं होती, कभी भी देखो हमेशा पढ़ते रहते जाते चूता चूता नहीं करते, लाइब्रेरी में बैठे रहते जने जाते पूरे दिन नेवी एयरपोर्ट वाले चूके वाली है की बात, बच्चे जल्दी मैं अपने आदमी